हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि हम शोपियान के डिप्टी कमिश्नर साहब के बहुत ही मशहूर हैं और उनका उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। पूरे शोपियान ज़िले की जो ताजर बरादरी है वो भी बहुत खुश हैं अपने डिप्टी कमिश्नर शोपियान से। और हमने भी जब उनसे दरख्वास्त की थी कि इस मगर रोड को जल्द अज जल्द खोला जाए ट्रैफिक के लिए, ताकि हमारे जो ताजर बरादरी है उनको भी कोई मुश्किल दरपेश ना आ जाए, और जो हमारे बच्चे जो गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसी टाइम इस पे स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया, तो इसलिए हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब और एग्जम साहब के बहुत ही मशहूर हैं। और शोपियान के जो दुकानदार हजरात हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर शोपियान के बहुत ही मशहूर हैं, जो जिसने वक्त से पहले इस शहर पे स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया और इसको 10-15 दिन के अंदर अंदर ट्रैफिक की आवाजाही के काबिल बना दिया जाएगा। तो हम बहुत ही मशहूर हैं और आपके माध्यम से गवर्नर सेना मनोज सेना जी से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उसने एक डीपीआर भी इस पे तैयार किया है, जो टनल का काम पिछले साल शुरू नहीं किया गया, तो इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि इस टनल पे काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों को कोई मुश्किल ना आ जाए। और जो ये मुतबादिर रोड है हमारी मगर रोड, तो इसमें यह 24 घंटा खुला रहेगा, लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही हम आपके माध्यम से गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एक डीपीआर भी बना दिया गया है इस पे, तो इस पे अब सिर्फ काम शुरू करवाना है।